दो साल पहले ये मिसेस दिल्ली रह चुकी हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं रेणु गुप्ता जी से। नमस्कार रेणु जी। नमस्ते, स्वागत है आपका रस्मे रसोई में। थैंक यू। रेणु जी, आप दो साल पहले मिसेस दिल्ली रह चुकी हैं। आपके दो बेटे हैं, एक 14 साल का बेटा है, एक 8 साल का बेटा है। और तो किस तरह से आप मॉडलिंग में आई और क्या मोटिवेशन थी आपकी? मेरी मोटिवेशन मेरे बच्चे थे, स्पेशली मेरा बड़ा जो 14 साल का बेटा है जी। और वो चाहता था हमेशा कि मम्मी आई वांट टू सी यू, आप स्क्रीन में आना चाहिए, मेरे अच्छा। को देखना चाहिए आपको। तो मैं हमेशा कहती थी कि नहीं अक्षय, अब दैट स्टेज हैज गॉन। बट नहीं मम्मा, यू कैन डू इट। तो इसलिए मेरे को रियली आई रियली वांटेड कि फॉर हिम आई हैव टू बी देयर। अच्छा। ये सब बिल्कुल झटपट ही हुआ, जैसे आज हम झटपट स्वीडिश बना रहे हैं, ऐसे ये भी झटपट मेरी लाइफ में हुआ। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। वैसे कहा जाता है कि बच्चों के लिए माँ बाप एक मोटिवेशन होते हैं और उनके लिए स्ट्रेंथ होते हैं, लेकिन आपके केस में थोड़ा उल्टा हो गया और बच्चे आपकी स्ट्रेंथ बने। सो दैट्स वेरी नाइस। आज आप झटपट हमारे लिए क्या बनाने जा रही हैं? आज मैं बना रही हूँ एप्पल क्रंच पुडिंग। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे आइसक्रीम जो कि पहले से मेल्ट है, और इसको हम थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। ओके, तो कितनी आइसक्रीम हम ले रहे हैं? बहुत सारी, एक छोटी ब्रिक। और वनीला फ्लेवर यूज कर रहे हैं? हाँ, वनीला फ्लेवर यूज कर रहे हैं। ओके, और आइसक्रीम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम टाइम सेव कर रहे हैं, इसमें चीनी ऑलरेडी घुली होती है। ओके, अब इसमें हम डालेंगे सारे फल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनार से। ओके, हम इसमें डालेंगे अनार। और हमने इसमें अनार कितना डाला? इसमें हमने एक बड़ी कटोरी अनार लिया है। ओके, फिर हम डालेंगे सेब, बड़ा सेब जो है दो काफी है। ओके, अब हम इसमें डालेंगे अनानास। ओके, ये भी अनानास आजकल बहुत ताजे मिल रहे हैं, तो हमें टिन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, हम ताजा यूज कर सकते हैं, विच इज ये विटामिन सी में बहुत रिच है। ओके, ये भी हमने लिया है अबाउट टू स्लाइसेस। अच्छा, दो स्लाइसेस अनानास की। दो स्लाइस हैं। ओके, और इसमें दालचीनी पाउडर डाल लेंगे। ओके, जो की हम लेंगे हाफ टी स्पून। इसमें हमने दालचीनी डाल दी। रेणु जी, आइसक्रीम का एक बढ़िया सा मिक्सचर हमारे पास रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हम ऐसा करते हैं कि पहले जेली तैयार कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो हमने लिया है थोड़ा सा पानी, इसमें हमने लेते हैं, वैसे 300 ml होता है, तो इसमें हमने आधा ले लिया। जब ये गर्म हो जाएगा फिर हम जेली क्रिस्टल्स को इसमें डाल लेंगे, और बिल्कुल जैसे नॉर्मल जेली बनती है वैसे हम जेली इसको तैयार कर लेंगे। पानी अब गर्म हो चुका है रेणु जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बस अब हम जेली क्रिस्टल्स में डाल देंगे और स्टर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक पैकेट जेली क्रिस्टल्स है। बिल्कुल, थोड़ी देर में बस पानी सूखने पे हम इसको एक बोल में पलट देते हैं। अच्छा, आप कह रही थी कि जो हमने पानी बचाया है वो बोल के लिए बचाया है। हाँ जी। वो किस तरह? वो इसलिए ताकि जब सेट होती है तो पहले यूजली जब मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा पानी सादा डाल देती हूँ, उसके ऊपर फिर पोर करती हूँ। ओके, ताकि जब आप निकाले उसे तो अच्छी तरह निकल जाए। अच्छी तरह निकल जाए। ओके, तो ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि जब भी आप जेली जमाएं, जिस बर्तन में जमाएं उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें, ताकि जब आप जेली को निकालें तो वो अच्छी तरह सारी साइड से निकल जाए। गुड टिप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बस ऐसे ही हमने जेली एक बना के तैयार रखी हुई है। ओके, वो हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल। ओके, जेली भी तैयार है हमारे पास, आइसक्रीम का मिक्सचर भी तैयार है, और मैं भी तैयार हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बिल्कुल, अब हमारी बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। अब हम सबसे पहले सूजी के रस को एक फ्लैट बोल में अरेंज कर लेते हैं। ओके, चलिए हमने इसको अरेंज कर लिया है यहाँ पे। अब हम इसमें इस घोल को डाल देंगे। ओके, और बिल्कुल अब आप खाने के लिए तैयार हो जाइए। ओके, क्योंकि इसको सेट करने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। तो बेसिकली हमें फिर से इसको आइसक्रीम को थोड़ा सा सॉलिडिफाई करना है। हाँ जी। ओके, हल्का सा सेट करना है। ओके, हम थोड़ी सी चेरीज डालेंगे। ओके, क्योंकि ये रंगीन लगती है और हम फ्रेश भी डाल सकते हैं इसमें। और इसमें हम ऊपर से डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स। ओके, तो ये क्रंची टेस्ट देगा। अगर हम पहले डाल देते तो ये सिल जाती। ओके, इसलिए हम इसको ऊपर से डालेंगे। अब हम 4 से 5 क्रिस्टल्स जेली के इसके ऊपर से डाल देंगे, 4 या 5, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये मेल्ट हो जाएगी इसके ऊपर। ओके, तो पानी पानी हो जाएगी। ये हमने इधर जेली डाल दी है, और थोड़ा सा हम इसमें दालचीनी पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा। ओके, एक फ्लेवर एड ऑन के लिए, हल्का सा, चुटकी भर। ओके, और हमारी ये डिश फ्रीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। वेरी नाइस। 10 मिनट तक इसे हमें फ्रीज करना है, और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को जरूर पसंद आएगी। ओके, यहाँ पर हमारे पास तैयार है खास आपके बच्चों के लिए एप्पल क्रंच पुडिंग। 10 मिनट तक हम इसे फ्रीज करेंगे, उसके बाद मैं तो इसका मजा ले लूंगा, लेकिन अगर आपको मजा लेना है तो जल्दी से इसकी रेसिपी भी नोट कर लीजिए। एप्पल क्रंच पुडिंग बनाने के लिए आपको चाहिए सूजी के रस 5 से 6, कटे सेब 2, कॉर्नफ्लेक्स 3 छोटे चम्मच, अनार के दाने 1 कटोरी,
जेली क्रिस्टल्स एक कटोरी, पिघली हुई आइसक्रीम एक ब्रिक, कटा अनानास एक कटोरी, चेरी 5 से 6, पिसी दालचीनी आधा छोटा चम्मच, पानी आधा लीटर। अब इस रेसिपी को बनाने की विधि नोट करें। एक बोल में आइसक्रीम, अनार के दाने, सेब, अनानास और दालचीनी डालकर मिला लें। जली बनाने के लिए एक बोल में पानी और जली क्रिस्टल्स डालकर पकाएं। एक अलग बोल में सूजी के रस डालें, ऊपर से आइसक्रीम का मिश्रण, चेरी, कॉर्नफ्लेक्स, तैयार जली और दालचीनी डालें। अब इसे 10 मिनट तक फ्रीज करें। एप्पल क्रंच पुडिंग तैयार है।